भी आए हमारे स्टॉल पे, आप भी वीडियो बना के वायरल कर दिए, जरूरत थी 1800 रुपया के हम बना दे, ऐसा तो पूरे पूरा बिहार जान रहा है समीर चौधरी के, आप नहीं जान रहे तो यहाँ गलत बात नहीं है, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे सोशल मीडिया पे आए दिन। अच्छा आप पीजी कहाँ से किए हैं थोड़ा बताएंगे? आए चाय बेच रहे हैं बहन, कितना कमा लेती है आप? बहुत कम, बहुत कम। बताइए कितना? कौन हीरो आए थे आपके यहाँ? के रुपए 1 लाख दिए हैं तो उसको 2-4 लप्पर मार के नहीं बोले कि 750 रुपया लिया, आराम के पैसा है 750 रुपया। अच्छा दीदी आपके घर बेटी है? हाँ है। अगर बेटी को पढ़ाइएगा, नहीं पढ़े लिखेगी तो ऐसे चाय बेचेगी, अच्छा बात है? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। आप गार्जियन है भैया, आपका दाढ़ी पकड़ो, आप कहीं कहो तो भाई भाई है। न चलता हुआ लाठी भैया, न चलता हुआ तलवार, चलता हुआ खाली बोली के बाद। तो लीजिए भैया समीर चौधरी पहुंच गए, जाना ही था ना कहा, यह देखा पीछे पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली। आखिर में भैया ये पोस्ट ग्रेजुएट कर लातू ने कहा से, कहे कि देखिए भैया आज के डेट में ग्रेजुएट एक बहुत बड़ा पीजी, पीजी माने समझिए कि माता पिता अगर पढ़ाते हैं किसी को तो बहुत तकलीफ से पढ़ाते हैं। अगर बहन यहाँ पे दुकान खोली होगी तो इसी को पता होगा कि कितना तकलीफ से ये चाय बेच रही है। आखिर में भैया के रुपया कमावा ही थी। और सबसे बड़का बात है कि ग्रेजुएट में जो जी लगल हलवा भैया, ठीक है प्रिंट वाला गलती कर देता है, अब मान ला शादी के कार्ड में दूल्हा का नाम गलत रहते तो कार्ड बटा जाएगा नहीं बटाएगा। तो हमारा कहना है कि जब पढ़ाई लिखाई में पोस्ट ग्रेजुएट है भैया, आप इंग्लिश से अगर पीजी किए हैं तो आपका अंग्रेजी मजबूत होना चाहिए, नहीं तो टाइप राइटर को कंचा पड़वा पे मार के ओखने आप टाइट करवा देते हैं। तो अभी हम बात करेंगे, अभी हम आए इनके चाय दुकान पे इसीलिए इसी विषय में बात करने के लिए कि बहन के दुकान पे भी हाल में आए हलतन बॉलीवुड के एगो स्टार। कौन स्टार हलतीन? हो मनोज बाजपेयी जी आए हुए थे अपन फिल्म के प्रचार सरचार करे लगी। भैया लड़की के दुकान पे तो फिल्म ऐसी चल जाता है, आखिर में हम पूछेंगे। लेकिन एक और बात है, इनका एक हम वीडियो देख रहे थे, उस वीडियो में एक पत्रकार महोदय को उनसे पूछा गया कि आप पोस्ट ग्रेजुएट नाम कहा रखे थे, बोल रहे हैं ऐसे रख दिए भैया मन किया था। पोस्ट ग्रेजुएट चावल क्यों रखी है? ये क्यों रखे, क्यों रखे, इसी रख दिए, मन गया रख दिए भैया। हमरो मन करेगा तो क्या मन है, मन करे से कुछ नहीं होता। बहन देखिए यहाँ पे कुछ कर रहे हैं, क्या कर रही है नहीं कर रही है हम देख लेते। अच्छा देखिए ये अभी ग्रेजुएट का अपना डी सही करे, बहुत अच्छा बजट लगता है इसमें, इसलिए मैं चेंज नहीं करवाई। मैं 2 बार 3 बार 4 बार बहुत बार कोशिश भी की इसको हटवाने की, मतलब स्टिकर ढूंढे भी थे लेकिन स्टिकर नहीं मिल पाया डी का। लगा कि 20 दिन के बाद समीर चौधरी के बोलने पे शायद इनका दिमाग खुल गया होगा कि समीर भैया सही बोल रहा है। अरे भैया मेरे, हम तो पीजी किए हुए हैं, जब तक हम डी नहीं लगाएंगे तो हमको सब मतलब बुर्बक बना रहा, तो यहाँ कोई ये बात नहीं है। सबसे पहली बात की लड़की है, और लड़की इतना अगर मजबूत है, अगर मेहनत कर रही है तो शर्म करना चाहिए वैसे लड़कों को जो ये कहता है कि बिहार में रोजगार ही नहीं है। रोजगार नहीं मैंने कहा, मोदी जी कहा चाहो भैया, मोगी बांटो, कहा चाहे जमीन लिख दे, रजिस्ट्री करा देवे, ऐसा कुछ भी नहीं। हम इस सारे विषय में बात करेंगे। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में, कैसी है आप? बढ़िया। क्या कर रही है? डी को सुधार रही है, मिस प्रिंट को प्रिंट करे। तो आप जो प्रिंट करवाए थे, क्या नाम है आपका? लाजवानो जी जब आप प्रिंट करवाई थी तो उस समय आप नहीं बोले थे अगला को कि भैया हाँ, नहीं अगला क्या रुपया लिया था बहनी वाला, ये तो स्टार मीडिया नहीं लग रहा है, 7.5 रुपया। उसको 2-4 लप्पर मार के नहीं बोले कि 750 रुपया लिया, आराम के पैसा है 750 रुपया। और सबसे बड़ा बात कि आपके जो सोशल मीडिया पे जो आप इतना वायरल हुई हैं, और वायरल हुए तो अंधा के जना सब कौन कौन आया हमारा पते नहीं चला, सब आया खाली टीआरपी लूटा, खाली टीआरपी। कोई के सुझा था यहाँ पे कि जी के डी बनावेंगे, एक से एक पत्रकार आया, कोई ध्यान नहीं दिया इस पे। एक मिनट, आप भी आए हमारे स्टॉल पे, आप भी वीडियो बना के वायरल कर दिए, जरूरत थी यहाँ बजट की लेकिन बजट दिए नहीं, सब बतियाएंगे बहन, काहे ना चिंता करे। समीर चौधरी कोई का खाया नहीं आज तक, सबके खिलाए कि यहाँ हम खिलाने ले पैदे हुए लगता है। हमारा का नाम है कि आपसे जितना लोग इंटरव्यू लिया क्या आपके दुकान पे आकर चाय पिया या 500-500 रुपया दे के गया है? अभी हमारे घर मौजूदगी में वीडियो बना के वायरल कर दिया, आप भी दिए क्या? अरे तो गलत देख लीजिए, आपके आपसे जितना लोग बात किया आपके दुकान पे आके ना बात किया है, हमारे दुकान पे अभी हमारे स्टॉल पे आके बात। अरे भैया तो अभी पैसा दे दे, पहले पैसा दे के बतिया। देख लीजिए भैया हम यहाँ आए, कहीं ना कहीं समीर चौधरी अगर समझाया तो बहन अभी जी के डी बना रहा है कि नहीं बना रहा, जनता सब देख रहा है, जनता बुर्बक नहीं है, जनता सब जानता है। अच्छा ये बना रहे काहे लगी मने अपने मने से कि हम बोले तब पे
चेंज करवाते, लेकिन मेरे पास उतना बजट नहीं था। तो बोल देते आपका भाई या कमेंट बॉक्स में मार देते कि समीर भैया बैनर बना दीजिए, साला स्टार मीडिया से बनवा देते आप, मैंने 1200 रुपया के हम बना दे। ऐसा तो थोड़े पूरा बिहार जान रहा है समीर चौधरी का, आप नहीं जान रहे तो यहाँ गलत बात नहीं है। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे सोशल मीडिया पे आए दिन। अच्छा अभी पीजी कहाँ से की है थोड़ा बताएंगे? एल एन एम यू दरभंगा। कितना साल पहले? एक साल पहले 2020 से 2022 सेशन है मेरा। 2020 20 से 22 सेशन है। अच्छा आए, अच्छा तो हम कहना यही चाहेंगे कि चाय बेच रही बहन कितना कमा लेती हैं आप? बहुत कम मैंने बताइए कितना? 200-400। बस 200-400? मैंने 200-400 मैंने आप जितना पढ़ाई लिखाई करके खर्च हुआ होगा करीब 20-25,000-40,000 रुपया तो खर्च हो गया होगा ना आपका। यहाँ हम आपके हित के लिए बात कर रहे हैं, यहाँ गलत है कि मैसेज जा रहा है दुनिया के नजर में ये कि अगर आप पीजी करते हैं या बहुत ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं नहीं कुछ कर पाएगा। मनोबल बढ़ाने का काम बिहार में कोई नहीं करता है, सब मनोबल तोड़ने और घटाने का काम करता है। अगर ये बहन चाय बेच रही है तो चलिए कहीं ना कहीं सीख के दो चार गो से चाय वाली कौन चाय वाली किसी किसी से ये लोग सीखी है। तो हमारा कहना है कि अभी 200-400 कमा रहे इसमें आपका कोई दाल रोटी भी तो नहीं चल रहा होगा, मेकअप के भी खर्चा नहीं आ रहा होगा, नहीं ना? तो हमारा कहना में कहना बाबू मैया के भैया इज्जत चल गए। अरे बा बेटी तो चाय बेचे तो कहा मेरी इंडा लाइफ पे, अरे बा 10 लाख रुपया का बेटा। अच्छा अंतुन अली हीरो एगो कौन हीरो आए थे आपके यहाँ? के रुपए 8 लाख दिए हैं? अब बोले नहीं तो देखिए समीर चौधरी आया तो पैसा मांग रहे हैं। हाँ भैया आप भी बोले हैं आप कहे नहीं पैसा दे दिए। अब बड़का एक्टर आए थे वो एक्टर भैया उतना फिल्म में 1 करोड़ कितना कितना रुपया लेता है, 1 लाख रुपया देता था घर घर घटा जाता है ना। तो प्रमोट भी किया कि अच्छा करियो, लेकिन कितना दिन पहले पता चल गया था। हाँ तो करेंगे भैया, ये लगे कि आपको बुरा लगा ना, पूरा दुनिया के बुरा लग रहा, पोस्ट ग्रेजुएट चाय बेच रहा, थूथू हो रहा, थूथू बिहार के थूथू हो रहा, हमारे जैसे बहुत है मार्केट में। हाँ नहीं नहीं ऐसी है, पोस्ट ग्रेजुएट झूठो लिख है। जैसे मार्केट में बहुत है, गलत लिखे है, गलत लिखे है। हमारा का नाम है की मिस प्रिंट काहे ला आप देखे थे चश्मा लगा के गए थे आप दीना का चश्मा, आप काहे नहीं बोले? हमको तो पता चला उसी ने, लेकिन एक जगह नहीं है। ऐसा नहीं होता है बहन, हमारा का नाम है की हम जब तक डिजाइन फाइनल नहीं करवाएंगे, जब तक शादी के कार्ड में हम दूल्हा का नाम नहीं देखेंगे तब ले भैया हम फाइनल नहीं कहते हैं। तो हमारा कहना है हम आपको निंदा करने यहाँ नहीं आए, हम आँख खोलने आए कि अगर आप यहाँ से अगर 15,000 का महीना कमा लेती है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो ऑन कैमरा समीर चौधरी बोल रहा है जो बोलता है ठोक बजा के बोलता है। आपको 20,000 का नौकरी अभी समीर चौधरी यही देगा खड़े खड़े, चाहिए नौकरी? नहीं चाहिए। आए नहीं चाहिए? चाय बेच के खुश है? बहुत खुश है। खुश कहाँ है भैया, देश को आप बलगाने का काम कर रहे हैं आप लोग। आए महिला होके बेटी को पढ़ाया जाता है, बेटी भैया उसी को पता जेकरा बेटी नहीं होता, बेटी होती है पापा की पड़ी होती है। अब पड़ी भैया बेचे था चाय। अच्छा आप लोग यहाँ पे आप बताइए आप लोग तो दीदी आपके घर बेटी है? हाँ है। अगर बेटी को पढ़ाइएगा नहीं पढ़े लिखेगी तो ऐसे चाय बेचेगी, अच्छा बात है? कभी नहीं, कभी नहीं, इधर आ जाइए। हमारी बेटी आए हम कभी नहीं चाहेंगे कि। अच्छा ये चाय बेचने से क्या हो रहा है, अच्छा मैसेज जा रहा है खराब जा रहा है? अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है, क्योंकि अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं पढ़े लिखे हैं तो हम इसके अलावे और भी बहुत सारी नौकरियां हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से आई हुई है, तो लोग देते हैं और नौकरी करते हैं, उसके लिए हमें इस तरह से स्टॉल लगा करके और पोस्ट ग्रेजुएट के नाम पर। देखिए तमाम यहाँ पे जनता लोग हैं, हम भाई लोग से भी बात करना जरूर चाहेंगे, क्योंकि देखिए जितने लोग यहाँ पढ़े लिखे लोग ऐसा नहीं है कि यहाँ पे। अच्छा भैया बताइए कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद अगर नौकरी नहीं मिलेगा तो आदमी डोसा बेचेगा इडली बेचेगा, सही है? जॉब नहीं मिला तो कुछ भी तो करेगा ना, माने बच्चा नहीं पढ़ा सकता है। अरे पढ़ाई ज्ञान से ज्ञान पढ़ा जाता है, उसके पास इनकम होगा तभी पढ़ाएगा ना, कोई भी काम कर सकता है वो, कोई काम ठीक। अगर उसको कोई काम नहीं मिला तभी वो ये कर रहा है, मजबूरी का नाम, मजबूरी के नाम भैया महात्मा गांधी हाई है भाई, बात के बात है। देखिए सबसे बड़ा यहाँ यहाँ देखिए यहाँ कोई डिस्करेज नहीं हो रहा, यहाँ पे हो रहा है कि ये क्या लिखा हुआ लिखा? अरे बाप रे बाप, बड़का मैटर, पूरा बिहार जान गए, हिंदुस्तान जान गया कि POST होता है माने पोस्ट, ग्रेजुएट की स्पेलिंग में सारा डी के जगह जी आगे, नया नया नियम लग गए। मैं बोलना चाहूंगा हो सकती बहुत सी बात हो, बिल्कुल इंसानियत वाला बात बोलिए, यहाँ पे कोई पोलाइटली नहीं, जो है करवा सच बोलिए ताकि जनता को लगे भैया आगे मान लीजिए आप प्रिंट करवाए, हमने करा तो बोला नहीं था ना प्रिंट वाले को, प्रिंट कराने दिया गया उसने प्रिंट बिल्कुल गलत किया, ये बात बिल्कुल आप लोग अपना ये नहीं मालूम होगा अगले को अगला के। हाँ जो प्रिंट कर रहा मान लीजिए वो बेचारा प्रिंट कर रहा है ओकरा नहीं पता, लेकिन ऐसा नहीं ना। अरे भैया दे देते ऐसी है,
माने हम जेबी खोल के ना देखबे कि कोची लिखल है नहीं लिखल है क्या किसको नहीं पता होगा हां किनको हो सके इनने ध्यान नहीं दिया इनको नहीं पता होगा। अरे भैया बात वो सब कुछ नहीं है। देखिए तो हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए महिला लोग जो होते हैं समाज को भैया एक मैसेज देने का काम कीजिए। हमारा का नाम है कि आप चाय बेचिए बहुत अच्छा बात है क्योंकि मेहनत करना बहुत अच्छी बात होती है और मेहनत करते हैं वही लोग जो मेहनती होते हैं। हम यहाँ बहन को कोई अभी ऑन द कैमरा समीर चौधरी 20,000 का नौकरी भी दे रहा है क्या कहे कि नहीं लेंगे नौकरी। नौकरी से देखिए अगर ये आपका नौकरी नहीं करना देखिए इनको आपकी नौकरी नहीं करनी है। ये अगर खुद की अपनी स्टोर अगर चला के कर रही है अगर कमा रही है तो इनको रोका क्यों जाएगा। बताइए भैया मैसेज क्या जाएगा बताइए। मान लीजिए आपका आपका बच्चा बेटा है ठीक है बहुत पढ़ लिख लिया हो अगर उसको जॉब मतलब अपने इंटरेस्ट के जॉब नहीं मिल रहा उसको पढ़ाई लिखाई से तो इंटरेस्ट के जॉब नहीं मिलता हमको पता है भैया। क्या जो पढ़ेगा आदमी उतने लेवल का नौकरी मिलेगा। इंटरेस्ट के जॉब के लिए आपको जाहिल बनना पड़ेगा ताकि आप अपना मन के मालिक हो जाए। लेकिन हम कहना चाहेंगे भैया अगर आपका बेटा मान लीजिए कि पढ़ लिख लिया और कहेगा डैडी जॉब नहीं लग रहा तो आप उसको अलाउ दे दीजिए चाय बेचो तो जॉब तो हम गार्जियन आप गार्जियन है भैया आपका दाढ़ी पका आप कहे तो भाई भाई है आप गार्जियन है तो हमारा का नाम है कि आप मेरे भी बड़े भाई है। हमारा का नाम हो भैया कि गार्जियन के तौर पे यहाँ हम इसका बड़ा भाई बन गया है। यहाँ हम कोई मीडिया कोई हम गोदी मीडिया नहीं करके हम कोई किसी को हम खरीदने आती करने नहीं आए। समीर चौधरी बहन को खुलासा करने आया था कि आपका ये जी के जगह डी रहना चाहिए था। अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो चलिए आपका भाई जो है 20,000 का नौकरी देगा एनजीओ में। आप बच्चों को पढ़ाइएगा तो ज्ञान बांटिए ज्ञान बांटने से ज्ञान खुलता है। दीदी आपके घर में बेटी है तो पढ़ाई लिखाई बंद करवा दीजिएगा क्या। बिल्कुल नहीं मैं चाहूंगी बच्चे पढ़ के कुछ अच्छा करें और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। जैसे ये बहन चाय बेच रही है तो कोई छोटा काम छोटा देखिए काम कोई छोटा बड़ा नहीं। हमको बहुत खुशी हम सराहनीय बात है कि हमारी बहन यहाँ पे चाय बेच रही है अच्छा। लेकिन यहाँ पे अच्छाई क्या है भैया कि नम्मा गलत हो गए। दूसरा बात है कि जब नौकरी इनका भाई है वो दे रहा है तो नौकरी भी नहीं ले रही है। मैंने इसे समाज को एक गंदा मैसेज दे रहा कि अगर आज की डेट में पढ़ाई लिखाई कीजिएगा पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी नहीं लगेगा तो आप कहीं कुछ भी कर सकते हैं कोई बिजनेस कीजिए आप चाय बेचिए जो कीजिए। तो इससे बिहार गड्ढा में गिर रहा है। सरकार से हर चीज नहीं मांग सकते हैं। सरकार का काम है सरकार आएगा तो सरकार कैसे आ जाता है आप सरकार बुलाती हैं। बिल्कुल हम ही लोग चुन के लाते हैं। हम भी चुनते हैं बिल्कुल सब लोग हम सरकार से कोची कह रहे भैया हमारे मौकी देता है सरकार देगा हमको नहीं देगा सरकार हमको। सरकार तो हम लोग के भरोसा आता है भैया कि समीर चौधरी वोट देगा तो हम जीत जाएंगे। इतना दूर तक जनता है वोट देगा तो हम जीत लीजिए भैया। इसी के साथ करते हैं हम इस शो को यहीं पे समाप्त। मिलेंगे अगले जगह नए लोगों के साथ नए जगह नया ज्ञान के साथ। जय बिहार जय समाज।